हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजी मस्ती में। दोस्तों, बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं जो शरीर में कुछ ना कुछ कार्य करते रहते हैं, जिसकी वजह से शरीर हमारा डे पर डे एक्टिवेट या मूवमेंट्स करता रहता है। तो उसमें बहुत सारे पोषक तत्व ऐसे होते हैं जिनको जान लेना बहुत आवश्यक होता है। किस पोषक तत्व की कमी से हमारे शरीर में कौन सा रोग होता है और हमारे शरीर में क्या क्या बीमारी होती हैं, तो इस प्रकार से ये बहुत ही आवश्यक टॉपिक था। हमने कहा आप लोगों को बता दिया जाए कि जितने सारे पोषक तत्व होते हैं वो सभी पोषक तत्व को रखा गया है मिनरल्स में। तो मिनरल्स जितने होते हैं वो सभी मिनरल्स का कुछ ना कुछ कार्य होता है। तो देखते हैं इसके बारे में। फिर जो डिफिशियंसी का सिम्टम्स है इसमें दिख रहा है, जो इसका कमी का लक्षण दिख रहा है उसको भी मैं बताऊँगा, और क्या किसके इसके लक्षण होते हैं रोग के, इन सभी के बारे में आज मैं आपको जानकारी दे दूंगा। तो सबसे पहले अगर बात की जाए तो मिनरल्स आता है कैल्शियम। अब आपको पता होना चाहिए कि कैल्शियम की कमी से शरीर में रिकेट्स हो जाता है मनुष्य जाति में, और जानवर की जाति में मिल्क फीवर हो जाता है। रिकेट्स जो होता है इसमें क्या होता है कि मनुष्य की सारी हड्डियाँ टेढ़ी हो जाती हैं और शरीर कमज़ोर हो जाता है और उसकी बहुत सारी समस्याएँ बढ़ जाती हैं। तो इसलिए कैल्शियम की कमी से जो होने वाला रोग है वो रिकेट्स है। दूसरा, मिल्क फीवर जानवर में होता है। आपको बता दें जानकारी के लिए कि जो मिल्क फीवर होता है, मिल्क फीवर ही एक ऐसा जानवर में होने वाला रोग है जो कैल्शियम की कमी से होता है। और जो दुग्ध जानवर देते हैं उन्हीं में ये होता है। क्या होता है कि दुग्ध के माध्यम से कैल्शियम शरीर से निकल जाता है, और इसका लक्षण ये होता है कि जैसे आप दोहन कर चुके होंगे, दोहन करने के बाद तुरंत जानवर को थकान महसूस होगी और थकान के चक्कर में ही वो दूध देने के बाद तुरंत वो बैठ जाता है। तो इस प्रकार से ये बहुत ही आवश्यक था जिसको हमने आपको बता दिया। उसके बाद दोस्तों आता है अगला हमारा जो मिनरल्स है वो है फास्फोरस। मिनरल्स मीन्स होता है लवण। जो शरीर में लवण होते हैं, लवण की कारण से जो है कई सारी बीमारियां हमारे शरीर में हो जाती हैं। तो कैल्शियम को हमने बता दिया, फास्फोरस को बताते हैं कि फास्फोरस की अगर कमी है शरीर में तो क्या क्या रोग होता है। तो आपको बता दें कैल्शियम और फास्फोरस की कमी से जो है रिकेट्स होता है। तो कैल्शियम की अगर कमी है तब भी रिकेट्स हो जाएगा मनुष्य जाति में, और अगर फास्फोरस की कमी है तब भी ये रिकेट्स जो है हो जाएगा। उसके बाद फास्फोरस की कमी से एक और रोग होता है जिसको अस्टोमलेशिया बोलते हैं। अस्टोमलेशिया जो होता है ये अधिकतर मुसलमानों की जो महिलाएं होती हैं उसमें पाया जाता है, क्योंकि वो अपने शरीर को पूरा ढके रहती हैं, इसलिए जो है ये उसी में ज़्यादातर पाया जाता है अस्टोमलेशिया। उसके बाद एक डिजीज आता है, आपको बता दें पाइका डिजीज। पाइका डिजीज एक ऐसा डिजीज है जो क्या होता है कि ये काऊ मीन्स गाय में पाया जाता है। तो गाय में जो पाया जाता है रोग उसको बोलते हैं पाइका डिजीज। ये पाइका डिजीज मनुष्य में रिकेट्स को उत्पन्न करता है और जानवर में पाइका, जानवर में ये फास्फोरस की कमी से पाइका डिजीज होता है। उसके बाद दोस्तों अगला आता है हमारा लवण, आयरन जिसको बोलते हैं। आयरन की कमी से एनीमिया हो जाता है, जिसे लोहे की कमी हो जाती है शरीर में। तो डॉक्टर के पास आप जाओगे तो वो सलाह देगा आपको कि आप जो है लोहे की कढ़ाई में सब्जी का उपयोग करें, लोहे की कढ़ाई में सब्जी बनाएं, उसके बाद उसका सेवन करें, जिससे लोहा जो है हमारे शरीर में जो कमी होती है उसकी पूर्ति हो जाती है। उसके बाद अगला जो आता है जिंक। जिंक की कमी से पैराकिरोटिस होता है। जिंक की कमी से शरीर में पैराकिरोटिसोसिस होता है। जिंक की कमी से शरीर में पैराकिरोटिसिस होता है। तो ये बहुत ही आवश्यक था, हमने बताया आपको। उसके बाद अगला जो हमारा आता है मिनरल्स उसका नाम है मैग्नीज। मैग्नीज की कमी से पैरासिस रोग हो जाता है, मनुष्य में होता है, बहुत ही खतरनाक रोग होता है। तो उसके बाद आता है अगला जो हमारा वो है, तो वो है आयोडीन। आयोडीन जैसे शरीर में कितनी मात्रा होनी चाहिए और कितनी नहीं होनी चाहिए, इस बारे में आयोडीन का बहुत अच्छा रोल है। तो आयोडीन की कमी से अगर देखा जाए तो गोइटर
हो जाता है। गोइटर एक घेंघा होता है जो गले में थायराइड ग्लैंड होती ग्रंथि होती है उस जो है वो आयोडीन की कमी से फूल जाती है, जिसकी वजह से गर्दन जो है कंधे के बराबर ऊंची ऊंची बन जाती, लग रहा है कि वो फूड़ा बहुत भारी सा हो रहा है। इस प्रकार से घेंघा जो होता है वो काफ़ी स्ट्रक्चर को बदलाव दे देता है। तो इस प्रकार से जो घेंघा होता है उसकी वो आयोडीन की कमी से होता है। उसके बाद कोबाल्ट आता है। कोबाल्ट एक बहुत ही डिजीज, सीरियस डिजीज है, खतरनाक बीमारी है कोबाल्ट की कमी से, जिसको कॉस्ट डिजीज भी बोलते हैं। तो कोबाल्ट की कमी से कॉस्ट डिजीज होता है जो हरी सब्जियों में पाया जाता है। ये तो बात हुई दोस्तों कि जो पोषक तत्व हैं उनकी कमी से क्या होता है, मतलब सिम्टम्स ऑफ डिफिशियंसी, ये कमी के लक्षण थे जिसको हमने आपको बताया। उसके बाद जो लास्ट वाला आता है हमारा अगला टॉपिक, उसी में से उसी से बंधा हुआ है कि अगर इन मिनरल्स की कमी है शरीर में तो ये दिक्कतें होती हैं, अगर इन्हीं मिनरल्स की अधिकता हो जाए शरीर में तो क्या क्या दिक्कत आ जाती है। तो उसके बारे में आपको मैं एक्सिस दिखा रहा है, अधिकता के कारण क्या दिक्कत आती है उसके बारे में। तो अगर आप मॉलिब्डेनम की बात की जाए, मॉलिब्डेनम की अगर शरीर में अधिकता हो जाती है तो मॉलिबिनोसिस रोग हो जाता है। मॉलिबिनोसिस रोग होता है मॉलिब्डेनम से कमी से। आपको याद करने में अच्छा रहेगा कि यम से मॉलिब्डेनम और यम से मॉलिबिडोनोसिस मॉलिब्डेनेसिस। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं, जो आपके NSC एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। उसके बाद आता है फ्लोरीन। फ्लोरीन की कमी से जो होता है फ्लोरोसिस होता है। फ्लोरीन की कमी से फ्लोरोसिस होता है। उसके बाद आता है सेलेनियम। सेलेनियम की कमी से क्या होता है, डिग्नाला डिजीज होता है, एल्कली डिजीज होता है। अब आपको बता दें सेलेनियम की कमी से डिग्नाला जो डिजीज होता है ये गाय भैंस में पाया जाता है और बहुत ही जानवर इसमें सीरियस हो जाता है, अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो ये ख़त्म भी हो सकता है, जानवर की मृत्यु तक हो जाती है। तो उसके प्रकार से ये इसकी अधिकताएं जो थी वो भी खतरनाक हैं। और जो लास्ट वाला हमारा है वो एलिमेंट्स है, तत्व है जिसके डिजीज है, कमी से डिजीज। तो अगर आप कैल्शियम और फास्फोरस की बात की जाए, अगर उसकी कमी है तो आदमी में रिकेट्स हो रहा है, ठीक है, रिकेट्स होता है। और अगर उसी को छोड़ दिया जाए और बात की जाए कैल्शियम और मैग्नीशियम ऑक्सलेट की, तो अगर मैग्नीशियम ऑक्सलेट की बात की जाए तो ये क्या होता है, किडनी स्टोन हो जाता है, किडनी स्टोन हो जाता है। तो किडनी स्टोन आपको बता दें, मतलब कि यकृत में पथरी जिसको बोलते हैं, तो यकृत में पथरी हो जाती है किसकी कमी से, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम ऑक्सलेट की कमी से। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने आज आपको बताया कि किसकी कमी से क्या क्या रोग होता है, कैल्शियम मैग्नीशियम ऑक्सलेट की कमी से किडनी स्टोन होता है। इसलिए डॉक्टर सलाह देते हैं कि किडनी जो होती है वो बहुत ही सेंसिटिव ऑर्गन्स होता है, इसलिए उसकी कमी में कोई दिक्कत ना रहे, इन सभी की कमी ना पड़े या इसकी अधिकता ना हो जाए। आप जैसे किसी के किडनी स्टोन हो जाता है तो उसमें क्या करते, डॉक्टर बोलते जितना पानी पी सको आप पीते रहिए, जैसे आप पानी पीते रहोगे तो किडनी स्टोन जो है धीरे धीरे गल गल के निकलता रहेगा। तो इस प्रकार से किडनी स्टोन धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा और आप जांच कराते रहिए समय समय पे। तो इस प्रकार से आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं कल किसी एक नए टॉपिक पे। तो कैसा लगा वीडियो आज का दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करने में ज़रूर मदद करें और चैनल को लाइक शेयर ज़रूर करें, इससे क्या होता हमारा भी साहस बढ़ता है और पढ़ाने में या बताने में आपको जानकारी देने में मेरा भी मन लगता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।